Good morning, students. I am Meeta Sharma from Lyar Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा सातवीं हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर निबंध लेखन को पढ़ने जा रहे हैं. निबंध लेखन. निबंध हमारे भाव की अभिव्यक्ति होती है, यानी हमें कोई ऐसा विषय दे दिया जाता है जिस पर कि हमें विस्तृत चर्चा करनी होती है, तो हम उसके ऊपर क्या क्या हम उसके बारे में जानते हैं, उस पर क्या चीजों पर हम विचार कर सकते हैं, उन विचारणीय बिंदुओं को हमें लिखना होता है. निबंध है वो विस्तृत रूप में किसी भी विषय को विस्तृत रूप में लिखने की प्रक्रिया है, वो निबंध लेखन कहलाती है. देखिए आज हम पढ़ रहे हैं निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप. वरदान विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसमें हमें दोनों संदर्भों में हमें लिखना होगा. तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे विज्ञान वरदान और अभिशाप जुड़वा भाई है, यानी किसी चीज से हमें लाभ है तो हानि भी होती है, यानी ऐसा कोई मतलब चीज नहीं होता जिससे हमें सिर्फ लाभ ही लाभ हो, कहीं कोई हमें परेशानी या हानि ना हो. तो वरदान और अभिशाप भी जुड़वा भाई है, ये एक साथ जन्म लेती है. विज्ञान भी ऐसा ही एक वरदान है जिसके साथ कुछ अभिशाप भी जुड़े हैं. इसने जहां सुख दिए हैं वहां कुछ दुख भी दिए हैं, इसने जहां हमें जीवन को सुरक्षा दी है वहीं मौत का सामान भी इकट्ठा किया है. विज्ञान ऐसा सिक्का है जिसका एक पहलू काटकर अलग नहीं किया जा सकता, यानी सिक्के के जिस प्रकार दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू हैं, वरदान और अभिशाप. विज्ञान ने हमें अनंत सुख दिए हैं, ये तो आपको पता ही, विज्ञान ने हमें खूब सुख दिए हैं. आज हम जो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं वो भी एक क्या है, विज्ञान का ही सुख है, विज्ञान का ही वरदान है, ताकि हम घर बैठे भी अध्ययन कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, फोन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी संचार का साधन है, सब क्या है, किसकी देन है, विज्ञान की देन है. विज्ञान के कारण ही हम घर बैठे संसार भर से बातें कर सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं, अपने प्रियजनों की शक्ल सूरत और घर का हालचाल देख सकते हैं. विज्ञान के कारण ही हम कुछ घंटों में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा सकते हैं. आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से, हमें ड्राइव के माध्यम से, हमें घर बैठे सही और तरीके से हमें कार्य मिल पा रहे हैं और हम अपना कार्य समय से पूरा भी कर पा रहे हैं. पेपर मिल रहे हैं ताकि हम अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे हैं. तो ये सब चीजें हमें किसके माध्यम से हम कर रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से. विज्ञान के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, एक एक ही थोड़े से समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं. विज्ञान ने हमें भीषण गर्मी में ठंडक देने वाले यंत्र दिए हैं और कपकपाती सर्दी में गर्म रहने वाले साधन दिए हैं. आपको भयंकर गर्मी के दिनों में भी गर्मी का एहसास नहीं होता क्योंकि आपको एसी की ठंडक देने वाला यंत्र यानी एसी प्राप्त हुआ है. वो किसके कारण से, विज्ञान के आविष्कार से. इसी तरीके से कपकपाती सर्दी में भी हमें गर्मी देने वाले साधन जैसे हीटर वगैरह का आविष्कार हुआ, वो किसके कारण हुआ है, विज्ञान के कारण हुआ है. अब तो बनावटी वर्षा का मौसम, बनावटी वर्षा द्वारा मौसम को भी हाथ में ले लिया गया है. आजकल क्या है, कहीं बरसात नहीं हो पा रही है तो वहां पर कृत्रिम रूप से बरसात भी कराई जाती है. किसके कारण, विज्ञान के आविष्कार के कारण. किसी ने ठीक ही कहा है, अगर कहीं विज्ञान न होता, ये साजो सामान न होता, धरती में जगमग न होती, नभ वायु ज्ञान न होता. नेक्स्ट देखिए, विज्ञान के कारण ही अंधों को आंखें मिल रही है. अब विज्ञान के आविष्कार के कारण क्या हो पा रहा है, जो आंख से अंधे लोग हैं उनके ऑपरेशन द्वारा लेंस लगाए जा रहे हैं, अत्याधुनिक ऑपरेशन उनके किए जा रहे हैं, बूढ़ों को घुटने घुटनों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति है वो चल पाते हैं. इसी तरीके से लोगों को हाथ, अगर किसी के हाथ टूटा हुआ है, हाथ से जो हाथ टूटा हुआ है उनको विज्ञान के आविष्कार के कारण विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के माध्यम से उनको हाथ भी प्रदान किया जा रहा है. इसी के कारण आज की दुनिया क्या हो गई है, रंग बिरंगी हो गई है. सब जगह सुंदर साज सज्जा, पेंटिंग, रंग रोगन दिखाई देता है.
मनोरंजन के क्षेत्र में भी अद्भुत क्रांति हो गई, अद्भुत यानी अनोखी क्रांतियां हो गई मनोरंजन के क्षेत्र में। हर आदमी के पास रेडियो, टेलीविजन, कैमरा, मोबाइल आदि मौजूद हैं जो रात दिन उसका मन बहलाने में लगे हुए। विभिन्न प्रकार के ऐप आजकल आप लोग संचालित कर रहे हो फोन के माध्यम से, अनेक प्रकार के जो ऐप हैं उनके माध्यम से आप मनोरंजन करते हो अपना। तो ये मनोरंजन का साधन किसका आविष्कार है? विज्ञान का आविष्कार है। किसी कवि ने विज्ञान के बारे में ठीक कहा है, 24 हाथों वाला लगता मुझको ये अवतार, 12 हाथों में सर्जन है 12 में हथियार। अब ये क्या बताया गया कि 24 हाथों वाला, यानी इसको विज्ञान को 24 हाथों वाला बता के इसको एक अवतार का रूप दिया गया है। 12 हाथों में है सर्जन, यानी ये 12 हाथों में तो इसके सर्जन है, सर्जन का मतलब निर्माण करना, 12 हाथों में तो ये निर्माण करने वाला है यानी वरदान है, लेकिन 12 हाथों में इसके हथियार है यानी 12 हाथों में ये अभिशाप भी है। इसके 12 हाथों में तो सर्जन, यानी दोनों इक्वल इक्वल बता दिया। विज्ञानी ध्वंस, प्रदूषण और तनाव पैदा करने वाले अनेक साधन बना लिए हैं। अब आज मनोरंजन के क्षेत्र में तो विकास हुआ ही हुआ है, लेकिन मनोरंजन व्यक्ति के दिन भर फोन के अंदर डूबा रहता है। फोन के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या होता जा रहा है, व्यक्ति वो तनाव में रहने लग गए हैं। मनोरंजन होने की वजह तनाव अधिक हो गए हैं व्यक्तियों के बीच। तनाव कैसे हो गया कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया, हर समय फोन उसके हाथ में रहता है। अगर घर में उसे किसी कार्य के लिए बोल दिया जाता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बस वो फोन के अंदर ही डूबा रहता है। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं, वो सामाजिक नहीं हो पाता, लोगों के बीच में नहीं बैठेगा तो सामाजिक नहीं हो पाएगा, एक दूसरे की परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे। प्रदूषण कैसे होता जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के अनेक गाड़ी, कारें, मोटर आदि का आविष्कार हो रहा है, अनेक प्रकार के बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया जा रहा है, अनेक उद्योग धंधे बड़े बड़े फैलते जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। विज्ञान ने ध्वंस किया है, ध्वंस कैसे, विनाश किया है, जैसे बड़े बड़े जैसे परमाणु बम, बड़े बड़े मशीनें और जो उपकरण है, जो साजो सामान है जो सेना के पास, तो ये सैनिक जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से, बड़े बड़े ट्रैंक वगैरह है, तो इसकी वजह से क्या होते जा रहे हैं, और जैसे पिस्तौल है, गन है, तो ये इनका बड़ी बड़ी मशीनों का, इनका आविष्कार होने से, ट्रेन वगैरह का आविष्कार होने से हमें कई जगह फायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। नुकसान ऐसा कि लोग हैं वो मतलब युद्ध जैसी चीजें है वो कर रहे हैं, युद्धों की वजह से जनधन को हानि होती है और पर्यावरण है वो भी असंतुलित होता है। देखिए युद्धों में जितना ध्वंस आज होता है उतना पहले कभी नहीं होता था। आज हजारों मील दूर मार करने वाले अस्त्र शस्त्र बना दिए गए हैं। परमाणु बम का खतरा विश्व की छात्री पर भूत की तरह मंडरा रहा है। विज्ञान के दखल के कारण जलवायु भी दूषित होती जा रही है। जीव जंतु के साथ साथ मौसम भी बिगड़ गए हैं। मनुष्य के जीवन में असीम वासनाएं जाग उठी है। अकेलापन, तनाव, पागलपन और जानलेवा बीमारियां भी विज्ञान की देन है। आज ये जो ओमिक्रॉन, ये कोरोना, ये क्या है, ये विज्ञान का ही आविष्कार है। ये कोरोना, ये क्या आज के क्या है, बड़े बड़े देश है वो अपने पास जीवाणु शक्ति, जैविक शक्ति को रख रहे हैं, कि मतलब इस तरीके की वायरस वगैरह वो अपने लैब के अंदर रखते हैं, और अगर उन्हें किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करना हो या पूरे विश्व में अपनी शक्ति स्थापित करनी हो तो वो ये क्या कर देते हैं, वायरस छोड़ देते हैं। तो ये भी एक तरीके की वो लड़ाई चल पड़ी है। विज्ञान अंधा है तो मानवता प्रकाशवान, विज्ञान अंधा है लेकिन मानवता तो प्रकाशवान है, यानी इंसानों के अंदर तो दिमाग है। यदि मानवता के विकास पर बल भी दिया जाए तो विज्ञान के विध्वंसक रूप समाप्त हो सकते हैं, यानी अगर मानवता, लोगों के अंदर मानवता की भावना का विकास हो जाए तो विज्ञान है वो ध्वंस रूप है, विज्ञान का जो विनाशकारी रूप है वो समाप्त हो सकता है। यानी लोगों को अगर एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, सद्भावना समझाई जाए, विज्ञान का सही प्रयोग करना सिखाया जाए, तरीके से सभी कार्य नियम से करवाए जाए, तो क्या नहीं हो सकता, विज्ञान है वो कभी भी अभिशाप नहीं हो सकता।
हमें आइंस्टीन और गांधी साथ साथ चाहिए, हमें आइंस्टीन यानी विज्ञान को बनाने वाला भी चाहिए और गांधी की तरह नियमों में चलने वाला भी चाहिए। विज्ञान को सेवक की तरह काम में लाना चाहिए, विज्ञान को किसकी तरह काम में लाना चाहिए, सेवक की तरह, हथियार की तरह उसको काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये तो था आपके विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक निबंध हम और पढ़ेंगे सच्ची मित्रता पर। सच्ची मित्रता, मित्रता सच्ची हो तो जान लेती है, समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। अगर हमारे अंदर, हमारे दो लोगों के अंदर अगर सच्ची मित्रता होगी तो वो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं, समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेते हैं। अगर समुद्र में आंसू गिर जाते हैं तो उनको कोई भी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन अगर सच्चा मित्र होगा तो वो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो भी वह हमारे आंसुओं को पहचान जाएगा। अगर हम कितने ही आंसू छुपाने की कोशिश करें लेकिन वो हमारे आंसू को पहचान जाएगा। प्रस्तावना देखें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हर प्रकार की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। मित्र आपके उत्साह और जोश को बढ़ाकर कार्य को संपन्न करने में मदद करता है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, मित्रता जीवन को बेहतर और सुखद बनाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? मित्र होता है। देखिए, जीवन को अगर सुखद बनाना है, बेहतर बनाना है, हर कार्य में हमें आगे बढ़ना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? मित्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यक्ति है वो कभी भी जीवन में अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, उसको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमारे हर समय में हमारा साथ देता है, वही व्यक्ति क्या होता है? मित्र होता है। मित्र की प्राप्ति होने के पश्चात जीवन बेहद सुखदायी बन जाता है। मित्र वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरत पड़ने पर हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर हो। दुनिया में हजारों मित्र मिल जाएंगे लेकिन सच्चे मित्र को ढूंढना काफी मुश्किल है। देखिए, दुनिया में हजारों मित्र मिल जाएंगे लेकिन सच्चे मित्र को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच्ची मित्रता का मतलब, सच्ची मित्रता एक प्रकार का रिश्ता है जिसका मतलब दो लोगों के बीच में मित्र की भावना होना है। सच्ची मित्रता एक प्रकार का क्या है? रिश्ता है जिसका मतलब दो लोगों के बीच में मित्रता की भावना होना है। मित्र का मतलब यह नहीं कि दोनों लोग साथ में ही रहे, साथ में ही काम करें। अब कई बार क्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि मित्र है वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करें या हमारे ही स्कूल में पढ़े। मित्र कहीं भी हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है, हमारे सगे संबंधियों में हो सकता है, हमारा भाई भी हमारा सच्चा मित्र हो सकता है। तो सच्ची मित्रता एक ऐसा प्रकार का रिश्ता है जो दो लोगों के बीच में मित्र की भावना होना है। मित्र का मतलब यह नहीं कि दोनों लोग साथ में रहे और साथ में ही काम करें। मित्र का मतलब यह है कि वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और आपको उचित सलाह दे। मित्रता में हम सिर्फ सुख के समय की कामना नहीं कर सकते, हम केवल ये नहीं सोच सकते कि हम जब सुखी रहे, हमारे पास पैसे हो या किसी मित्र के पास पैसे हो तभी हम उसके साथ रहे, क्योंकि कई बार दुख की घड़ी में भी हमारे मित्र हमारी ढाल बन सकते हैं। वो सच्चा मित्र वही होता है जो दुख की घड़ी में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा रहे। समाज में रहने वाले मनुष्य अपने आसपास के लोगों से मित्रता बनाए रखते हैं। हर मनुष्य के जीवन में हजारों लोग संपर्क में रहते हैं और कई लोग बेहतरीन मित्र भी साबित हो जाते हैं, लेकिन संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति सच्ची मित्र नहीं हो सकते। सच्चे मित्र, हर कोई सच्चे मित्र नहीं हो सकते आपके। सच्चा मित्र, जैसे आप दिन में 100 लोगों से मिले तो 100 लोग आपके मित्र नहीं होंगे। प्रेम और मित्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों में होती है जिनके विचारों में समानता हो और जो समान आयु वर्ग के हो। समान आयु वर्ग के हो, उनके विचारों में क्या हो? समानता हो, दोनों एक तरीके की बातें सोचते हो, एक समय की बातें सोचते हो।
नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष और उपसंहार। अब लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कि मित्रता वह पवित्र रिश्ता है जिसे कभी पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मित्रता एक ऐसा अनूठा व पवित्र बंधन है जिसमें दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बिना किसी स्वार्थ के सुख व दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। तो मित्रता क्या है? पैसों में नहीं तोली जा सकती। मित्रता एक ऐसा बंधन है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सुख और दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। देखिए उदाहरण, उदाहरण क्या है इसका, पंक्तियां देखिए। जब बुरे समय से गुजरता है कोई इंसान इसी समय होती है सच्चे मित्र की पहचान। सुख के साथ ही दुख में फेर लेते हैं नजर, मतलबी मित्र तो भूल जाते हैं एहसान। देखिए सुख के साथ ही जो व्यक्ति हमारे सिर्फ सुख में हमारा मित्र है वो दुख में हमसे नजरें फेर लेता है, और जो मतलबी मित्र होता है वो हमारे सारे एहसान भी भूल जाता है। बुरे समय से गुजरता है कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति बुरे समय से गुजरता है तभी उसे सच्चे मित्र की परख होती है, इसी समय में उसे सच्चे मित्र की पहचान होती है। मित्रता की पहचान हमें कब होती है? जब हमारा बुरा समय आता है। अच्छा समय होता है जब तो हर कोई हमारा मित्र बन जाएगा। बुरे समय में अगर कोई हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये थे आज आपके निबंध। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।